हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की खीर। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप जरूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। और ये ठंडी का मौसम है तो इस मौसम में अच्छे हरे मटर मिलते हैं जो मीठे होते हैं और उसकी खीर अच्छी होती है। तो आप बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने हरा मटर लिया है 1 कप। मैंने 1/2 किलो मटर लिया था, उसके सारे छिलके निकाल लिए हैं हरा मटर। और ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। और ये मैंने 8 से 10 काजू लिया है, उसे काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर लिया है। और मैंने 8 से 10 बादाम लिया है, उसे भी काट लिया है। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ता, जो आपको डालना हो। और ये मैंने देसी घी लिया है, घर पे मैंने बनाया घी। और घी लेंगे 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून घी लेंगे 3 चम्मच। और ये मैंने शक्कर लिया है 1 कप। शक्कर लेंगे हम 1/4 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शक्कर ले सकते हैं, मैंने 1 कप लिया है। अभी देखते हैं हम कैसे बनता है। सबसे पहले एक मिक्सर डालेंगे और उसमें हम हरे मटर डाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे हम। ये मैंने पेस्ट बना लिया है हरे मटर का। अभी गैस पे मैं कढ़ाई रखूँगी, उसमें 3 टेबलस्पून हम घी डालेंगे और घी को गर्म करते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हम 3 टेबलस्पून घी डालेंगे। ये मैंने घी तुरंत बनाया, इसके लिए घी पतला है ऑयल जैसा। और घी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये मैंने 3 टेबलस्पून घी डाल लिया है। अभी इसमें हम जो मटर का जो पेस्ट है वो डालेंगे। ये मैंने पेस्ट डाल लिया है, इसको भून लेते हैं हम, थोड़ा हम भून लेंगे। गैस को मैंने कम रखा है। थोड़ा हम पका लेंगे, इसमें से खुशबू आने लगेगी। तब तक गैस को मैंने कम रखा है और पकने देते हैं हम इसे, भून लेते अच्छे से। हल्का भूनना है हमें। ये मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम दूध डाल देंगे, ध्यान से डालिए। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से चलाएंगे नीचे तक। ये मैंने अच्छे से दूध में मिक्स कर लिया है पेस्ट को, मटर के पेस्ट को। और इसको अच्छे से हम चलाते रहेंगे, चलाते हुए हम पकाएंगे इसे। और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, 1 लीटर का 1/2 लीटर रह जाएगा, तब तक हम इसे पकाएंगे। और अच्छे से आप पकाइए चलाते हुए। अभी मैंने गैस को फास्ट कर लिया है, एक उबाल आने देंगे हम इसमें, अच्छा सा बॉईल होने देंगे। एक उबाल आने के बाद में हम गैस को कम करके कम आंच पे हम पकाएंगे। ये हमारे खीर में अच्छे से उबाल आने लग गई है और इसको अच्छे से पकाएंगे हम। और गैस को कम कर देती हूँ अभी मैं, मीडियम आंच पे, मध्यम आंच पे इसको हम पकाएंगे।
गैस को मैं मीडियम कर रही हूँ, मध्यम आंच पे चलाते हुए आप पकाइए। और हर सीजन का एक अपना मज़ा होता है, और चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे सब्जी हो, चाहे हरी सब्जी हो, जो भी हो, वो उसके टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं और उसमें एक मिठास होती है। तो आप बना के देखिए, जो भी मौसम के फल हो चाहे सब्जी हो, आप खा के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको हम पकने देते हैं, ये जब तक आधा ना हो जाए तब तक इसको हम पका लेंगे। ये देखिए काढ़ा हो गया है, आधा रह गया है, अच्छे से मैंने पका लिया है। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। एक चौथाई कप शक्कर डालेंगे हम, और इलायची पाउडर डालेंगे एक टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पका लेंगे हम शक्कर के घुलने तक, और एकदम अच्छा गाढ़ा हो गया ये। थोड़ा सा शक्कर के घुलने तक हम पका लेते हैं। ये मैंने शक्कर डाल के थोड़ा टाइम पक गया है, थोड़ा टाइम हो गया। अब बना के देखिए, बहुत अच्छा आता है इसका टेस्ट, और इसमें थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट और अच्छे दम खोए जैसे लगने के लिए मैं इसमें खोआ डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो बिगर खोए का भी ये बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। खोआ डालने से थोड़ा ये रिच हो जाएगा और अच्छा आता है टेस्ट। थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे, और गैस को मैंने फास्ट कर दिया है। और अच्छे से जब मिक्स करेंगे, खोआ अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर, और ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसको थोड़ा सा हम काजू बादाम मिक्स कर लेंगे, गार्निश कर लेंगे। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा काजू और बादाम, और थोड़ा सा हम डेकोरेट के लिए रख देते हैं। और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब गैस को मैं ऑफ कर देती हूँ। और इसको एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये मैंने बाउल में निकाल लिया सर्विंग डिश में। अब इसको थोड़ा हम बादाम काजू से गार्निश कर देंगे। ये हमारे हरे मटर की खीर बनके तैयार है। और आप बना के देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कैसा लगा। और आप इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरा वीडियो देखिए, अपना प्यार दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, आपके कमेंट के लिए, आपके लाइक के लिए। और प्लीज़ मेरा वीडियो बरोबर से देखिए आप, और बहुत बहुत थैंक यू। और ये देखिए इतना अच्छा खीर बना है, आप बना के देखिए। और फिर से मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ में। बाय फ्रेंड्स।